नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूं अंबुज कुमार और अभी हमें सोनवर्षा विधानसभा में और यहां के सीपीआई के भावी उम्मीदवार राजकुमार चौधरी जी हमारे साथ हैं। तो चलिए हम इनसे बहुत सारे मुद्दों पे बात करते हैं। राजकुमार चौधरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, सांसद में तो जो किसान विधेयक बिल पास हुआ है, तो क्या आप उससे सहमत हैं? नहीं, किसान विरोधी बिल है। सर, कैसे किसान विरोधी बिल है? अभी किसान अपना पर निर्भर है और कुछ दिनों के बाद वो सबका एक्वायर करके और वो दे देगा और उसमें प्लांट लगाएगा। जिस तरह से हम लोग किसान विरोधी में दंकल प्रस्ताव का विरोध कर रहे थे, आज हाइब्रिड का बीज आ गया, देसी बीज चल गया। दंकल प्रस्ताव का भी वामपंथी मोर्चा विरोध किया था। 10 वर्ष के बाद जिस तरह से हाइब्रिड आया है, देसी खाने के लिए तरस रहा है, उसी तरह से किसान का बहुत गड़बड़ दिन आ रहा है। बहुत दर्दनाक दिन आएगा भविष्य में, यह अच्छा बिल नहीं है। सर, सांसद में जो नई शिक्षा नीति भी पारित हुआ है, तो क्या उससे आप सहमत हैं? देखिए, शिक्षा नीति तो दिनों प्रतिदिन चौपट में जा रहा है। उस समय में जो IAS IPS का परीक्षा होता था, या उस समय का जो सिलेबस था, टाइट सिलेबस था, और वह विद्यार्थी जब IAS IPS बनते थे, इंजीनियर डॉक्टर बनते थे, तो लगता था जो वो इंजीनियर डॉक्टर है। आज तो इंजीनियर भी नया शिक्षा नीति, कॉन्वेंट, पूंजीवाद की प्रवृत्ति, ये सब सरकार के लिए अच्छा नहीं है। सर, अभी बिहार चुनाव में लेकर सीटों को लेकर काफी अफरा तफरी मची हुई है, तो ऐसे में सभी जितने भी MLA के प्रत्याशी हैं, विधायक पद के प्रत्याशी हैं, वो सभी असमंजस में है। तो ऐसे में आपके अपने वरिष्ठ नेताओं से आपकी बात होती है सीट को लेकर? देखिए, वामपंथी मोर्चा का सकारात्मक बात चल रहा है, वैसे बिहार में किसी पार्टी का सीट शेयरिंग नहीं हुआ है, किसी भी, चाहे NDA गठबंधन हो कि UPA गठबंधन हो। लेकिन हमारे नेता जब जाते हैं राज्य नेतृत्व के साथी, तो राज्य नेतृत्व के साथी में सकारात्मक बात चल रहा है जी। और हमको लगता है कि RJD यानी UPA गठबंधन और वाम दल में तालमेल निश्चित होगा। सर, सोनवर्षा विधानसभा के सीट को लेकर आप अपने पार्टी से क्या उम्मीद लगाए हुए हैं? देखिए, ये तो राज्य कमेटी और जिला कमेटी की बात है, लेकिन हमको विश्वास है कि 98% सोनवर्षा विधानसभा सीटिंग गीटिंग में छूटेगा। वाम दल का सीट होगा, CPI का सीट होगा, और 2% तो जब हो जाएगा तभी न कहेंगे जी। सर, इस क्षेत्र में बेरोजगारी पहले थी और अन्य राज्य के लोग भी अभी आ रहे, तो बेरोजगारी जो है काफी बढ़ गई है। इसके लिए देखेंगे आप, अलग अलग जगहों पे हंगामा खड़ा हो रहा है, तो क्या इससे में आप क्या कहना चाहेंगे? बेरोजगारी तो बढ़ा है, बढ़ेगा। याद होगा, आप लोग भी इतिहास पढ़े होंगे, पहले अंग्रेज आया था तो ईस्ट इंडिया कंपनी ना जी, और वह विस्तार कर दिया और साम्राज्यवाद फैला दिया, अंग्रेजी शासन हो गया। जिस तरह से विदेशी कंपनी को ला रहे हैं, जिस तरह से कंपनी के हाथों में दे रहा है, सरकार की बागडोर कमजोर होती जा रही है। जैसे बिजली लीजिए, रेल को भी देने जा रहा है, तो बेरोजगारी बढ़ेगा। वाम दल के और UPA सरकार थी, जिसमें वाम दल सरकार में थे, तो ये मनरेगा जो कहते हैं, मनरेगा पास किया था जो मजदूर का बेरोजगारी दूर हो, लेकिन अभी तक न्यूनतम मजदूरी कितना, 180 रुपया, 85 रुपया,
तो यह मजदूर की मजदूरी नहीं हुआ, 500 रुपया कम से कम मजदूर की मजदूरी होना चाहिए था। सर बिहार चुनाव को लेकर आप किस तरह से जनता के बीच जाते हैं? जनता के बीच हम जाते हैं विकास को लेकर, जनता के बीच हम जाते हैं बेरोजगारी को लेकर, जनता के बीच हम जाते हैं किसान मजदूर की सवाल को लेकर। हम मक्का की बीज हो, मक्का हो, बीज बहुत खाद बीज लगाया किसान, आज मरुआ का ढेरी हो गया मक्का, कुछ नहीं हुआ, उनका न्यूनतम मूल्य नहीं मिला। हम विकास को लेकर के गत बार भी हम बोले थे कि आज सिमरी बख्तियारपुर से सोनवर्षा जाने के लिए रूट ही नहीं है, सड़क ही नहीं है। सोनवर्षा राज्य के जितने पंचायत है जर्जर स्थिति में तब्दील है। सर आप अगर सोनवर्षा विधानसभा के वर्तमान विधायक होते तो आप किसान और छात्रों के हित में आपका सर्वप्रथम कार्य क्या होगा? देखिए तमन्ना होता है, काम करने का भी तमन्ना होता है। हम जब यहाँ का मुखिया बने थे तो सबसे पहले कहे थे कि रोड सड़क यातायात बहाल करूंगा, जिसमें हम 98% काबिज हुआ है कि जो रास्ता बाधित है वह रास्ता से गुजर रहा है अभी लोग, चाहे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री वाला रोड खाई में तब्दील हो, लेकिन पंचायत वाला रोड जो है, सड़क जो है, उससे गुजर रहा है। और हमने रोड की ढलाई में, सड़क की विकास में पहला तमन्ना जो रखे थे, आज हमको लगता है रे पूरा पंचायत में पूरा हो रहा है। उदाहरण स्वरूप अगर हम सोनवर्षा का विधायक बने तो पहले मेरा मुद्दा होगा जो यातायात बहाल हो, यातायात बहाल हो, सोनवर्षा विधानसभा फूल की तरह खिले, यही मेरा तमन्ना है। तो अभी हम बात कर रहे थे सोनवर्षा विधानसभा के भावी उम्मीदवार राजकुमार चौधरी जी से और इनका कहना है अगर हम सोनवर्षा के वर्तमान विधायक होते हैं तो सर्वप्रथम कार्य इनका यातायात को लेकर होगा, सोनवर्षा में जो जाम की समस्या है उनको लेकर के होगा। कैमरा पर्सन विशाल सिंह सिसोदिया के साथ मैं हूँ अंबुज कुमार।